ब्लॉग एंड कुकिंग में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको मौसम कुछ ठंडा ठंडा सा हो रहा है, काफ़ी बारिश का इम्कान है, तो मैंने कहा चलेंगे थोड़े से पकौड़े बनाते हैं। वो ये है कि ये मैंने ना सब्ज़ मिर्ची, ये देखें बड़ी बड़ी, इनको मैंने कट लगा के, ये देखें इसके अंदर मैं ये चिकन चाट मसाला डाल लिया, तीन थी तीन ही मैंने निकाली, जो कुछ घर में था मैंने उसी का ही बना रही हूँ। एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हाफ सुरख मिर्च कश्मीरी, ये कुटी हुई मिर्च, ये ज़ीरा और ये थोड़ा सा चाट मसाला, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए मेरा बेटा, ये देखिए आसान तरीके से ये भी, और ये थोड़े से मैंने प्याज भी डाल दिए। ठीक, ये हो गए, और ये मैंने धनिया भी डाल दिया, धो के रख ली, और ये मैंने आलू कद्दूकस कर लिए हैं, काट के बनाते हैं ना पकौड़े, उसका टेस्ट और होता है, इसका टेस्ट और होगा। ये देखिए ये मैंने सारा कुछ डाल दिया इसके अंदर, अब मैं इसको पानी के साथ मिक्स करके तो मैं आपको इसके पकौड़े बनाते। बच्चे कह रहे जी आपने जी मम्मी हमें रमज़ान में पकौड़े नहीं खिलाने दी, रमज़ान तो अभी बहुत दूर है, रमज़ान में तो बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ आपको खिलाएंगे, आप परेशान क्यों होते हैं। ये देखिए ये आज मैं आलू को कद्दूकस करके झटपट से पकौड़े बन रहे हैं, देखिए कितने आसान है ये, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। ये है इसका बेसन, ये थोड़ा सा ऐसे चमची में डाला और ऐसे डाला, एक तो मैं गैस का बड़ा मसला बन गया था, मौसम था आज, मैंने कहा चलो बनाते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ फ्राई करते हैं। ये क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हैं, ये देख ये देख ये देख, बहुत ही मज़ेदार बने, यकीन जाने के, ये देख बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा और बताइएगा। और ये मिर्चियाँ भी मैंने बेसन लगा के ये देखें फ्राई कर ली हैं। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को नेक करे और फरमाबरदार करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।